फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही मुख्य टॉपिक होता है। और ये टॉपिक जो होता है ये हमें बताता है कि हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना अच्छा चल रहा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है। तो इस टॉपिक का नाम है MTTR और MTBF। MTTR और MTBF जो भी मेंटेनेंस में काम करने वाले इंजीनियर हैं सबने सुना तो होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको आज कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोग इसको अपनी डेली मेंटेनेंस काम में डालें और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। MTTR का मतलब होता है M माने मीन, T माने टाइम, T माने टू और R माने रिपेयर। MTTR का मतलब मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब होता है कि सपोज़ करो कि आपकी मशीन यहाँ पे ख़राब हुई है और यहाँ पे सही हुई है, ये रिपेयर्ड है और ये हमारा ब्रेकडाउन है, ये हमारा ब्रेकडाउन है। तो इस दौरान का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम फ्रेम है, ये हमारा जो ब्रेकडाउन, ये टाइम फ्रेम हो गया। तो इस टाइम फ्रेम में जो हमारा टाइम फ्रेम हुआ है जिसमें ये ठीक हुई है, ये हमारा MTTR बताता है। MTTR का मतलब है कि कितने टाइम में हमारी मशीन ठीक हुई है, ये हमारा बताता है। इसके लिए हम क्या कैलकुलेशन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे पता चलता है, इसको बता करने के लिए ये है कि सपोज करो कि आपकी एक मशीन है, एक मशीन है, मशीन नंबर वन हो गया, M1 है, ये आपकी एक बार ख़राब हुई 2 घंटे के लिए, फिर यही M1 ये आपकी ख़राब हुई फिर 2 घंटे के लिए, फिर यही M1 है ये फिर आपकी ख़राब हुई 2 घंटे के लिए, फिर यही M1 है ये आपकी ख़राब हुई फिर 2 घंटे के लिए, फिर यही M1 है फिर ये आपकी ख़राब हुई 2 घंटे के लिए। तो ये आपकी मतलब टोटल जो ब्रेकडाउन टाइम है, ये हमारा जो डाउन टाइम आया, ये डाउन टाइम हमारा 5 आवर्स 10 आवर्स आया। और ये कितनी बार खराब हुआ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना हुआ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमारा हुआ 5 टाइम्स। तो MTTR हमारा जो होगा वो 10/5 मींस 2 आवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो मशीन को ठीक करने का जो काम, मशीन जो ठीक हो रही है वो 2 घंटे में हो रही है। MTTR से हमको पता चलता है कि मशीन को हमें रिप्लेस करना है, अपने आदमियों को हमें स्किल्ड करना है, अपने आदमियों को ट्रेनिंग देनी है ताकि हमारी मशीन जल्दी से जल्दी ठीक हो। दूसरा MTTR जो नंबर ऑफ, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो ब्रेकडाउन टाइम है वो कितनी ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारा MTTR का मतलब होता है। अब हम आते हैं MTBF पे। MTBF का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम MTBF ये होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर की, मतलब एक बार हमारी यहां मशीन खराब हुई थी, फिर ये दोबारा जब खराब हुई, पहले फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, ये फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन आप देख पा रहे होंगे, और फिर ये सेकंड टाइम ब्रेकडाउन, और ये जो टाइम है इन दौरान, पहले और दूसरे के दौरान में जितने घंटे मशीन चली, ये हमारा रनिंग आवर्स हो गया, ये हमारा बताता है MTBF कि ये कितनी देर तक हमारी मशीन चली। तो MTBF को कैलकुलेट कैसे करते हैं, MTBF को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि सपोज करो कि एक मशीन का ब्रेकडाउन टाइम हुआ, टोटल ब्रेकडाउन टाइम हुआ 10 आवर्स, रनिंग टाइम था उस मशीन का 30 आवर्स, जो अवेलेबल था, अवेलेबल रनिंग टाइम मतलब इसको इतनी देर चलना था, लेकिन इसमें 10 घंटे ब्रेकडाउन हुआ, और कितनी बार हुआ, ये जो 10 घंटे हुआ वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इस 10 घंटे की कितनी थी, मतलब कितनी बार में 10 घंटे हुआ, वो सपोज करो 5 बार में हुआ। तो MTBF जो हमारा निकलेगा वो लिखेगा 30 - 10/5 मतलब 4 आवर्स की, मतलब हमारी 4 घंटे की। तो MTBF का मतलब होता है कि कितनी देर में हमारी, कितनी देर तक हमारी मशीन एक बार रिपेयर होने के बाद सही चले। इससे हमें MTBF से हमें ये भी फायदा होता है कि एक तो हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रिवेंटिव कैसा हो रहा है, दूसरा हमारे जो आदमी, जो हमारे मेंटेनेंस के जो आदमी हैं, वो जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उनकी स्किल्ड कैसी है कि भाई वो सही कर पा रहे हैं
या नहीं सही कर पा रहे हैं। अगर हमारा MTBF ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो हमारी जो मशीन का रनिंग आवर्स है वो काफी सही है, और अगर हमारा MTBF कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन की जो मेंटेनेंस हो रही है वो काम चलाउ हो रही है। तो यही हमारा MTTR और MTBF के बारे में मेरे को आपको बताना था। इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और वो इसको सुने और अपना ज्ञान को बढ़ाएं। आगे मैं और मेंटेनेंस के टॉपिक के साथ आपके पास नई वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।